हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एस्केप फ्रॉम द शैडोज़। तो गाइज, अगर आप लोगों ने पिछला वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको याद होगा कि पिछली बार हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे और अब हम एज डिटेक्टिव खेल रहे हैं और अब हमको यहाँ से आगे बढ़ना है और वो जो शैडो रेलम है उसका दरवाज़ा बनाना है। तो उसके लिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो इस कमरे पर मैं टैप कर देता हूँ। ओके, खुल रहा है क्या? नहीं, ये नहीं खुल रहा है। आई कांट लीव येट। ओ अच्छा, ये बाहर जाने का दरवाज़ा है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे हमको क्या क्या मिल सकता है। ओके, यहाँ पे किताब है। बाप रे बाप रे, यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे ये फ़ोटो मिली अपने को और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लड़की जो है ये वो एंटिटी को हराने में मदद कर सकती है। लेकिन कैसे वो तो नहीं पता भाई अभी, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। और ये क्या है? ओके, यहाँ पे कुछ छुपा हुआ था, कैंडल। ठीक है, ये हमने ले लिया है। खिड़की पे कुछ है क्या? पर्दे पे कुछ है? नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे नीचे कुछ है? नहीं, ये सीढ़ी से नीचे चलते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग कैंडल को लगा सकते हैं, लेकिन वी नीड टू डू समथिंग फर्स्ट। अच्छा, पहले कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा देखते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ है, ये उठा लो। ये किताब में क्या है ये देख लेते हैं एक बार। किताब में ओके, ये किसी पजल का सोल्यूशन था पीछे। और ये पोर्टल टू पेनुम्ब्रा के लिए जो भी हमको सामान चाहिए उसका लिस्ट है। तो हमको क्या क्या चाहिए? रूट चाहिए, पिंक सॉल्ट, पेज नंबर 33 चाहिए। ओके, इन सब को मिक्स करने पे फिर ये दरवाज़ा खुलेगा। ओके, तो अभी हम लोगों को ये जो लिस्ट मिली है इस हिसाब से हमको सामान ढूंढना पड़ेगा। तो जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे मिल सकता है। ओके, ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? पिंक सॉल्ट फॉर्मूला। अच्छा, तो यहाँ पे हमको एक पिंक सॉल्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको ऑयल चाहिए होगा, एक रोज़ चाहिए होगा और वाइट सॉल्ट चाहिए होगा। ओके, लेकिन ये सब तो हमारे पास अभी नहीं है, तो देखते हैं ये सब कहाँ मिलेगा। ओ तेरी, ये क्या चीज़ है भाई? ओ, ये एक डरावना सा डॉगी है मेरे ख्याल से। और ये क्या है? ये एक पजल है। ठीक है, और इन दो बंदों को हम कुछ कर सकते हैं क्या? अच्छा, ये भी एक पज़ल ही है, इससे लिंक्ड है मेरे ख्याल से पज़ल। तो यहाँ पे तो कोई क्लू नहीं मिल रहा है। यहाँ से ये एक और दरवाज़ा है, यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, तो यही से तो हम लोग गए थे ना। ये दरवाज़ा खुल रहा है? नहीं। क्या कर सकते हैं अभी? रुको, किताब खोल के देखते हैं। ये वाला पज़ल कहाँ है? ये वाले पज़ल का सोल्यूशन हमारे पास है। यहाँ पे जा सकते हैं क्या? ओके, ये कुछ है यहाँ पे। ये क्या है? ओके, तो ये जो पज़ल है इसको शायद हम लोग सुलझा सकते हैं। तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको ये जो पार्ट्स है उनको ऐसे प्लेस करना है कि ये पूरा ऐसे मतलब कंप्लीट हो जाए, ऐसा कि ये दो टूटे हुए टुकड़े हैं और इनको जोड़ने पे बिल्कुल एकदम जुड़ जाए। उस तरह से हमको इनको जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमको ये वाला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ओके, और फिर ये वाला यहाँ पे। ओके, ये वाला तो नहीं, इसको यहाँ लगा देते हैं। ओके, अब सही लग रहा है थोड़ा, इसको यहाँ कर देता हूँ। सही है क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल आखिरी में लगेगा। इसको यहाँ लगाता हूँ। नहीं, इसको यहाँ पे। अब थोड़ा सही है, थोड़ा सा सही है, थोड़ा गलत है बस, इसको यहाँ कर दो। ओके, और ये जुड़ गया। और यहाँ से हमको क्या मिला? हमको मिला है एक शार्प नाइफ और एक रेड की। ओके, तो रेड की का क्या करना है ये तो मुझे अभी नहीं पता, तो इसलिए पहले डब्बा खोलते हैं। इसमें से हमको मिला है बॉटल ऑफ कुकिंग ऑयल। और यहाँ पे ये एक पजल का सॉल्यूशन है, लेकिन ये पजल का है ये तो अभी हमको पता नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग वापस से उस जगह पे जाएंगे, नीचे जाएंगे। अच्छा, एक सेकंड रुको, ऊपर चलते हैं। ये दरवाजे की चाबी हो सकती है, हो सकती है लेकिन है नहीं। ठीक है, नीचे चलते हैं। यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल है क्या? हाँ, ऑयल है यहाँ पे। ओके, तो ये डाल देते हैं। और रोज़ और वाइट सॉल्ट अभी भी गायब है। ठीक है ठीक है, उसके लिए इस कमरे में घुसेंगे। तो अब ये चाकू से कुछ कर सकते हैं क्या? इसको चाकू दिखाओ क्या?
डॉगी को लकड़ी दे दे। नहीं, ये और गुर्रा रहा है भाई, मुझे डरा रहा है बिना बात के। और ये इसके हाथ का पजल है, ये निशान मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया अभी तक। ये वाले का तो मुझे मिला है क्या सोल्यूशन? नहीं, इसका सोल्यूशन तो शायद नहीं मिला है। ओके, तो यहाँ ऊपर वापस चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। ऊपर चले क्या, थोड़ा ऊपर चलते हैं। ओके, यहाँ पे ये दरवाज़ा तो नहीं खुलेगा, ये तो मेन है, मेन दरवाज़ा है वो। ये हाँ, चलो चाकू से कपड़ा हमने काट लिया है, कपड़े का क्या होगा? पीस ऑफ ब्लू क्लॉथ, पता नहीं क्या होगा। इसको रखते हैं अपने पास और यहाँ पे हम लोग ये चाबी लगा के देखते हैं। ओके, तो इस कमरे की चाबी थी वो। ऑल राइट, तो हम एक नए एरिया पे आ गए हैं। यहाँ पे एक ताला है जिसका हमारे पास कोई क्लू नहीं है, इसको खोलते हैं। ओके, ये एक पीस मिल गया। और यहाँ पे अलग अलग रंग बिरंगी कलर्स हैं और यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है लेकिन, तो इसको तो अभी शायद नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे भी एक चीज़ मिसिंग है, तो ठीक है यहाँ से निकलते हैं अभी फ़िलहाल। और ये वाला पीस हमको मिला है शायद, इसको यहाँ पे लगाते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन हमको मिला है, वो जो एरिया था वहाँ पे, मैं मिलता हूँ आप लोगों को। ओके, तो ये वो जगह है, यहाँ पे वो पजल का क्या कहते हैं उसको, सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जिस जिस पे भी हमको यहाँ पे ये छींटे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने विमल खा के थूक दिया है। तो वहाँ वहाँ हमको वो वाला क्लू लेना है। तो यहाँ पे एक पंछी ऊपर की तरफ दिखा रहा है यार, लेकिन किस पैटर्न में लेना है ये तो मैं भूल ही गया। ओके, तो गाइज यहाँ पे एक और जगह मैंने क्लिक नहीं किया था अभी तक, अभी हमने क्लिक किया है। तो यहाँ पर ये देखो, दिस रूम इज़ टोटली डार्क, वी वुड बेटर फाइंड अ वे टू लाइट इट अप। ओके, यहाँ पे हम आए नहीं थे लेकिन ये अभी तक अंधेरी जगह है, तो यहाँ पे वैसे भी कोई काम है नहीं। तो यहाँ पे जो हमने अभी पजल देखा उसका सॉल्यूशन का पैटर्न तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो इसलिए मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ और मैं थोड़ा देखूँगा कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं ये वाला। ओके, तो मेरे ख्याल से हम लोग अगर ये सारे तार जोड़ देंगे किसी तरह से तो उसके बाद शायद होगा, हमको पैटर्न मिल सकता है। तो ठीक है, जोड़ने की कोशिश करते हैं इसको, इधर इसको ऐसे, इसको ऐसे। ओके, फिर इसको वापस ऐसे ऐसे, और अब सिर्फ नीला वाला बाकी है, ये ऐसे, और अब ये हो जाएगा बिल्कुल। ओके, तो अब शायद हमको इसका क्या कहते हैं उसको पैटर्न मिल जाएगा। ओके, तो गाइज यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक क्लू मिला है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो येलो लाइन है वो इनको जोड़ रही है, तो वो एक क्या कहते हैं उसको डायगोनल में जोड़ रही है। फिर ये जो रेड कलर की लाइन जोड़ रही है वो इन पंछियों को एक ट्रायंगल में जोड़ रही है, और ये जो लास्ट वाला है ये उनको थोड़ा सा एक रैंडम क्या कहते हैं उसको, रैंडम तरीके से जोड़ रही है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नीचे जाएं तो देखो पैटर्न्स भी उसी तरह से थोड़े बने हुए हैं। पहले अगर हम एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे नीचे नीचे ऊपर, नीचे नीचे ऊपर, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये मुझे पता है, लेकिन अगर आप लोग मेरे को फॉलो करेंगे तो शायद, अगर आपने अभी तक सुलझाया नहीं होगा तो आप सुलझा सकते हैं। नीचे नीचे ऊपर, ये वाला वो येलो कलर वाले का पैटर्न, नहीं सॉरी रेड वाले का पैटर्न है। फिर ये ऊपर ऊपर नीचे, ये जो एक स्लैंट डायगोनल है ये येलो वाला है, और फिर नीचे ऊपर ऊपर और ऊपर, और क्या था, ये वाला था मेरे ख्याल से नीचे, तो ये वो नीले वाले का है, नीचे ऊपर। तो इस हिसाब से हमको सॉल्व क्या करना है वो आपको बता दो, अभी तक तो ठीक है उससे ये लिंक्ड है किसी तरह से, और ये मतलब एक तरह से एक सॉल्यूशन है, लेकिन किस चीज़ का सॉल्यूशन ये आप लोग सोच रहे होंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमको यहाँ पे आना पड़ेगा, इस चीज़ का सॉल्यूशन है वो। तो यहाँ पे देखो रेड येलो और ब्लू है, तो हम जल्दी से पहले वहाँ चलते हैं। हाँ यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे ये ऊपर ऊपर नीचे,
ये है हमारे येलो कलर वाले का सॉल्यूशन। ओके, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ऊपर ऊपर नीचे, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला जो कि रेड वाला। तो नीचे नीचे ऊपर, नीचे नीचे ऊपर, और बस हमारे पास अब ब्लू वाला बचा हुआ है। ओके, तो ब्लू वाले के लिए यहाँ पर हमको ये जो ये वाला है जहाँ पे मैं टैप कर रहा हूँ, नीचे, उसके बाद एक छोड़कर नीचे 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 उस, अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, गलत हो गया। ये नीचे, फिर यहाँ पर ये ऊपर, और फिर नीचे नीचे ऊपर नीचे, ये नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे नीचे ऊपर नीचे, और ये खुल गया, और यहाँ पे हमको मिला है एक चाबी और एक क्रॉस। तो ये क्रॉस का तो मैं लोकेशन जानता हूँ, चाबी का पता नहीं है। चाबी का क्या करना है यार, पता नहीं। यहाँ पर डाल के देखते हैं चाबी, चाबी से खुलता है क्या? नहीं, नहीं खुल रहा। ठीक है, मैं आपको ऊपर मिलता हूँ। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, और अभी हम लोग ये यहाँ पर लगा देते हैं। यार, इसका सॉल्यूशन तो अभी तक हमको नहीं मिला है, और ये ताला तो मेरे ख्याल से चाबी से नहीं खुलने वाला। तो जल्दी से पीछे आते, ऊपर जा सकते हैं हम लोग? नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला दरवाज़ा शायद खुल सकता है। हाँ, ये खुल गया। अरे अरे वाह, मुझे लग रहा था बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन ये कुछ और है। ओके, ये वाला पज़ल यहाँ पे, तो इसको पहले सुलझाते हैं। पहला वाला हमको दिख रहा है कि एक एंड पे है इस तरह से एक, अरे यार क्या हो गया, एक फोर के एंड पे है, ठीक है। तो एक फोर के एंड पे इसको ला देते हैं। ओके, और फिर एक दिख रहा है ये दोनों का, यहाँ पे एक ऐसा है स्ट्रक्चर, तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रक्चर यहाँ कुछ होना चाहिए। रुको, वापस देखते हैं। हाँ, इसको हम लेके आते हैं यहाँ पे, और इसको लेके आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, और एक बचा हुआ है आँख वाले का, ऐसा कुछ है, तो आँख वाले का वापस देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे ले आओ पहले इसको, और मेरे ख्याल से अब ऊपर ले जाना है। ऑल राइट, और एक क्या बचा, और ये दिए वाला बच गया ऐसा, ये त्रिकोण नहीं, हाँ यही बच गया। इसको नीचे लेके आते हैं, और ये एक ऐसे कर्व के पास है, तो मेरे ख्याल से तो ये यहाँ पे है। ओके, ऑल राइट, बिल्कुल सही। और यहाँ पे हमको मिल गया एक शवल और एक और की, ब्लू की। ओके, ये देख लेते हैं क्या है। टेलीस्कोप इज मिसिंग अ लेंस। ओके, और ये मेरे ख्याल से टेलीस्कोप से सुलझने वाला पजल है। तो अच्छा, एक मिनट, हमने आसमान में कुछ देखा नहीं। आसमान में देख सकते हैं हम लोग? हाँ देख सकते हैं, लेकिन हमको शायद यहाँ से कोई क्लू मिलने वाला था, वो अभी नहीं मिलेगा। तो ठीक है, हमको मिल गया एक ब्लू की, हमको मिल गया एक शवल, तो हम नीचे जा सकते हैं वापस, और यहाँ पर क्या खोल सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या नहीं खोला, ये वाला दरवाज़ा नहीं खोला है। ओके, ये खुल गया। अब देखें यहाँ पे क्या क्या है। ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक किताब है जो अभी नहीं खुलेगी, एक किताब है जो, ओके, तो ये वो ब्लू वाले फायर का पजल है। तो ये एक है नीचे, लेफ्ट राइट और नीचे, हो गया, याद कर लिया। और ये शवल से हम इसको खोद सकते हैं क्या? हाँ खोद सकते, खोद सकते भाई। इधर क्या मिलेगा देखते हैं। हो गए, दिस इज वॉट आई नीड। ओके, हमको एक रूट मिला है ये, हाँ ये शायद वो पोशन बनाने में काम आएगा। और ये फ्लावर, ओके, यहाँ पे एक बिल्ली है, फ्लावर का कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फ्लावर को रहने देते हैं। तो अभी हम लोग जाके वो फायर वाला पजल छुड़ाएंगे। हो गया, ये रहा। तो ये कैसा था, ये मेरे ख्याल से ऐसा था, फिर ऐसा, फिर, अच्छा नहीं, रुको रुको, गलत हो रहा है, ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा। ओके, खुल गया। अब इस आग का क्या करूँ, कैंडल लगा लूँ क्या? हाँ बिल्कुल सही, शायद कैंडल ही जलानी थी यहाँ से, और ये जल गई हमारी कैंडल। ओके,
लेट्स सी हाउ आई कैन यूज़ दिस। ओके तो चलो, मेरे ख्याल से यहाँ पे आग का काम हो चुका है, अब मैं जल्दी आपको वहाँ मिलता हूँ कैंडल स्टैंड के पास। ओके तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, तो जल्दी से पहले मैं कैंडल यहाँ पे लगा देता हूँ। ऑल राइट, और यहाँ पे ये उस प्लस साइन के पजल का क्लू आ गया है। तो पर्पल पे ये वाला, रेड पे ये, ब्लू पे ये, और ट्रायंगल पे ये। ओके तो ये कैसा मतलब सॉल्व करना है वो अभी तक मुझे नहीं पता, रुको पहले फिर से थोड़ा याद कर लेता हूँ। ओके तो मैंने याद तो कर लिया था, पहले था पर्पल, तो पर्पल पे था ये क्रॉस, फिर लेकिन यार ये किस तरह से है ये पैटर्न, पहले कौन सा है दूसरा कौन सा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रुको मैं ट्राई कर, अच्छा हाँ हाँ सॉरी सॉरी पता है पता है, पर्पल ये बॉक्स था और वाइट कलर का ट्रायंगल था जो यहाँ पे था, फिर रेड कलर का सर्कल था जो यहाँ पे था, और उसके बाद क्या बचता है, ब्लू कलर का ये था, तो इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। ओके यहाँ पे सॉल्ट निकल गया, जार विथ सॉल्ट, और ये मेरे ख्याल से वो एरो वाले पजल का सोल्यूशन है, तो जल्दी से हम लोग वहाँ पे चलेंगे अभी। ओके तो अभी एरो वाला सुलझाते हैं, ये ऊपर वाला है इस तरफ, ये वाला है नीचे। एक ये वाला है इस साइड में, साइड साइड लेफ्ट साइड में, एक है इस तरफ ऊपर और एक है नीचे। ठीक है ये हो गया ऊपर, और इसको कर देंगे हम अभी नीचे। ओके और ये खुल गया है, यहाँ पे हमको मिल गई है एक हड्डी, सॉरी रबर बोन, वही रबर की हड्डी, और यहाँ पे मिल गया हमको मैग्नीफाइंग लेंस जो कि टेलीस्कोप पे काम आएगा। तो मुझे लगता है कि हमको यहीं पे रुक जाना चाहिए, हमने काफ़ी कुछ सॉल्व कर दिया, अगले एपिसोड में हम बाकी क्लूज़ को इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको एपिसोड ज़रा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।